Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या जाने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अयोध्या में किन्नर प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री को वोट मांगने के लिए मजबूर कर दिया। केवल हमारे एक प्रत्याशी ने, अयोध्या और फैजाबाद के प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। सोचो कितनी कमजोर सरकार है कि अपनी 8 महीने की उपलब्धि नहीं बता पा रही है। नगर पालिकाएं, टाउन एरिया और सभासदों के लिए मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कानपुर में मेट्रो का काम बंद हो गया है, अब मुश्किल है कि वहां मेट्रो बन पाए क्योंकि केंद्र ने पॉलिसी बदल दी है। और सरकार समाजवादी थी, मेट्रो का कार्यक्रम और मेट्रो योजना का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, वो काम बंद कर दिया है, अब शुरू नहीं हो सकता। जिस पॉलिसी के तहत स्वीकृत किया गया था उस पॉलिसी के तहत अब शायद वो काम होना संभव नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने वो पॉलिसी बदल दी है। हमारी सरकार ने शहरों में जो काम शुरू किए थे उसे बंद कर दिया गया है। वर्तमान सरकार ने काम का रास्ता नहीं बल्कि नफरत का रास्ता अपनाया है। जो काम शुरू किए थे शहरों में और गांवों में वो सब बंद हैं। काम पर मुकाबला समाजवादियों का नहीं कर सकती है सरकार। और पिछले 8-9 महीने में, 7-8 महीने में जो बात आई है सामने, इस सरकार ने काम का रास्ता नहीं अपनाया है, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का रास्ता अपनाया है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।